दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्नोएक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जब सैमसंग गैलेक्सी F41 लॉन्च हुआ था तो उसके बाद कुछ चैनल्स थे जिन्होंने F51 F71 सारी चीजों के डालने चालू कर दिए थे फेक वाले, एंड बहुत सारे लोग मुझे आके पूछ रहे थे कि ये स्मार्टफोन आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, परेशान कर दिया लिटरली। बहुत सारे लोगों ने मुझे परेशान कर दिया था पूछ पूछ के, वहां से देख कहते थे, मुझसे पूछते थे कितने में आएगा कितने में, मैं बोला अरे यार हाई नहीं रहा खाली फेक है। तो F सीरीज का एक और स्मार्टफोन आ रहा है। अभी सैम मोबाइल का रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि स्मार्टफोन आने वाला है जिसका बजट 14,000 के आसपास हो सकता है, एंड इसका नाम होगा सैमसंग गैलेक्सी F12 या F12S, इन दोनों में से कोई एक नाम होगा। इसका मॉडल नंबर आया हुआ है, सारी चीजें सब कुछ बताएंगे। चलते से वीडियो की तरफ, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना। किसका रीब्रांड हो सकता है, उन चीजों में बात करेंगे, सब कुछ क्या है स्मार्टफोन। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्ट। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, अगर कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हो, मैं सबको आंसर देता हूं, आपको भी दे दूंगा। एंड सैमसंग जो है अपने मिड रेंज में दो ही गेम जानता है, एक रीब्रांडिंग करके रीब्रांडिंग करना और दूसरा एक्सिनोस 9611। बस इसके अलावा और सैमसंग को ज्यादा कुछ आ नहीं रहा आजकल, इशारा तो समझ ही गए होगे आप लोग। दोनों से वही F12 जो आने वाला है, ऑब्वियसली दोनों पॉइंट उसमें सेम बैठते हैं। एंड ये स्मार्टफोन, अब मैं बताऊंगा नहीं कि किसका रीब्रांडिंग है, मैं स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, एंड आपको गेस करना है कमेंट सेक्शन में जाके कि कौन सा स्मार्टफोन है जिसको रीब्रांड करके ये स्मार्टफोन आ रहे हैं। ठीक है, गेम खेलते हैं लास्ट में, मैं एकदम पूरे वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं स्पेसिफिकेशन पूरे बताऊंगा लेकिन पूरे वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कौन सा स्मार्टफोन होने वाला है, वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए गेम खेलते हैं। ये स्मार्टफोन एक ऐसे स्मार्टफोन का रीब्रांडिंग वर्जन होने वाला है जो ऑलरेडी रीब्रांडेड था, एक स्मार्टफोन उसी को लेके आने वाला है, जैसे M31 को रीब्रांड करके F41 लाए थे, खाली एक कैमरा सेंसर कम कर दिया था, यहां भी एक आध दो छोटी मोटी चीजें चेंज हो जाए तो हो जाए, नहीं तो ऑलमोस्ट पूरा स्मार्टफोन वही का वही होने वाला है कहा जा रहा है। इसका जो मॉडल नंबर है वो लिस्ट हुआ था SMF127G, ये करके आया था, जैसे पता चला कि F12 करके नाम आने वाला है स्मार्टफोन का, F12 आ रहा है, नवंबर एंड से पहले कहा जा रहा है इंडिया में लॉन्च होगा। अब आते हैं इसके फीचर्स के ऊपर, 14,000 के आसपास इसका 4GB 128GB लॉन्च हो सकता है जो लीक सारों से पता चल रहा है। चलिए अब स्पेसिफिकेशन बताता हूं जिससे आपको गैस करना कि कौन से स्मार्टफोन का रीब्रांडिंग वर्जन होगा। डिस्प्ले पे आते हैं, इसमें आपको सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिलेगा 6.4 इंच का, सुपर एमोलेड का इन्फिनिटी यू वाला नॉच होगा, एंड रियर साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, ट्रिपल कैमरा का सेंसर होगा, एंड पॉलीबैक होगा, रियर साइड पे आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिलेगी, एंड सारी चीजें आपको वहां पे मिलने वाली है। डिस्प्ले डिजाइन में F41 जैसा है, नॉर्मली वैसा ही दिखेगा, ज्यादा कुछ डिफरेंसेस इसमें आने वाले नहीं है दोस्तों। कुछ गेस कर पाए, अब आते हैं परफॉर्मेंस पे, देखते हैं यहां पे देख पाते हो कि नहीं। इसमें आने वाला है सैमसंग का ऑल टाइम फेवरेट 9611 एक्सिनोस का, ऑक्टाकोर का चिपसेट है, 10 nm पे बेस्ड है, 4 कोर जो है 2.3 GHz पे क्लॉक्ड है, 4 कोर 1.8 GHz पे क्लॉक्ड है, चारों के चारों कोर्स जो है कोटेक्स A73 और आठ में से चार कोर्स A73 और A53 वाले हैं, माली G72 MP3 का GPU है, गेमिंग ग्राफिक्स ठीक ठाक कर लोगे, एंड्रॉइड 10 के ऊपर आएगा जो कि उनका 1 UI कोर है उसके साथ आने वाला है, यानी कुछ चीजें मिसिंग रहेंगी, आपको इसमें नॉक्स वॉक्स नहीं मिलेगा लेकिन स्टिल थोड़ा ब्लोटवेयर्स आएंगे थोड़े से, वो आपको डिलीट करने पड़ेंगे। परफॉर्मेंस कहते हैं ना 160,000-170,000 के आसपास इसका अंतुतु का स्कोर चला जाएगा, वही ऑल टाइम फेवरेट 9611 इसमें भी आपको मिलने वाला है, देखते हैं जैसे आएगा वैसे इसके बारे में बता दूंगा, अगर गेस कर पाए हो तो अब कमेंट सेक्शन में लिख दो कौन सा स्मार्टफोन का रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है दोस्तों। मुझे मालूम है इस पॉइंट का सब लोग वेट कर रहे हैं, यहां आपको शायद पता चल जाएगी कौन से स्मार्टफोन का रीब्रांडेड होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं कैमरा की, रियर साइड पे आपको 48 MP का ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलेगा, 48 MP का प्राइमरी सेंसर होगा, GM1 वाला जिसका अपर्चर F1.8 का होगा, उसके साथ 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा और 5 MP का आपको डेप्थ सेंसर मिलेगा, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, LED फ्लैश रहेगा, बुके पैनोरामा HDR सब कुछ कर पाओगे, फ्रंट साइड में 20 MP का सेंसर दिया हुआ है, F2.0 का अपर्चर है, वहां से भी आप 1080 रिजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो, बुके पैनोरामा HDR कर लोगे, सारी चीजें कर लोगे। कैमरा में यही आने वाला है, अब गेस करके बताओ, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट मैंने बता दिए हैं जो सबसे ज्यादा डिफरेंट होने, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे फोन्स के स्पेसिफिकेशन सेम रहते हैं, यही कैमरा होता है M सीरीज में, बता दिया
जो डिफरेंट करता है एक दूसरे को, डिफरेंशिएट करता है एक दूसरे को। तो आप गेस करके बताइए कौन सा वाला है स्मार्टफोन का रिब्रांडेड वर्जन। ये अभी नहीं कर पाए क्या यार। चलिए बैटरी की बात कर लेते हैं। 6000 एमएएच की बैटरी है, 15 वाट का चार्जर है, टाइप सी का पोर्ट है, मतलब बड़ी बैटरी है, ठीक ठाक फास्ट चार्जर मिल रहा है। 6000 एमएएच के लिए 15 वाट मतलब समझ लो 4000 एमएएच के लिए 10 वाट का चार्जर, वही हिसाब समझ लो एवरेज। आराम से आपको 3 घंटे के आसपास लग जाएगा, 2.5 से 3 घंटे फुल चार्ज करने में। लेकिन टाइप सी का पोर्ट है, चलो अच्छी चीज है यहाँ पे। तो ये तो सारे एम सीरीज के फोन में आ जाता है, ठीक ठाक मिलने वाला है, बहुत ज्यादा खराब तो नहीं कहूंगा दोस्तों। अब उसके बाद बात करते हैं सेंसर्स की। रियर साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक काम कर लेता है, एक्सेलेरोमीटर है, मिड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर सारे मिल जाएंगे, वहां पे कोई इशू नहीं है। 3.5mm जैक होगा, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल सकता है, वो देखने वाली बात होगी। कैमरा 2 API, वो भी देखने वाली बात होगी, नॉर्मली इस प्राइस में देते नहीं है। सबसे बड़ी बात है करियर एग्रीगेशन, करियर एग्रीगेशन देंगे कि नहीं, क्योंकि जिसका सक्सेसर सॉरी जिसका रीब्रांडेड वर्जन है ये, उसमें नहीं था, इसीलिए उसमें नेटवर्क के इश्यूज थे। यहाँ पे देखना पड़ेगा देते हैं कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी दोस्तों। स्लॉट की बात करते हैं, स्लॉट इसमें डेडिकेटेड है, 256 GB तक बढ़ा सकते हो। वेरिएंट कहा जा रहा है एक ही आएगा, 4 GB 128 GB, एंड प्राइसिंग उसकी 14,000 के आसपास होगी। देखेंगे F12। अब आपका काम क्या है ये बताना कि किसका रीब्रांडेड है। और मैंने याद है पहले कहा था जिसका रीब्रांडेड है वो भी किसी का रीब्रांडेड वर्जन था, तो वो किसका रीब्रांडेड वर्जन था, दोनों चीजें आपको बतानी है, दोनों स्मार्टफोन के नाम बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। और बताइए स्मार्टफोन आपके हिसाब से कैसा है, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बताइए क्यों नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस उनकी तरफ भी देख सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करने खास नहीं करना है, साइड में देखो बैक टेमेज उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है या वहां आके बताना है कौन सा है, वहां भी आके बता सकते हो। जरूर ट्राई करना कमेंट सेक्शन में बताने की कौन सा स्मार्टफोन होने वाला है। और अभी इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।